जेके फर्स्ट न्यूज़ पर सबका स्वागत है, खुशामदीन है। आज एक बार फिर हम आपको जिनसे रूबरू कराने जा रहे हैं, दो बार ही आगे हमसे रूबरू हो चुके हैं, बड़ूटा से ये ताल्लुकात रखते हैं और मैक्सिमम क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पेशे से वकील भी हैं और अपने लोगों की हर वक्त आवाज़ उठाते हैं। दो बार ये मीडिया के रूबरू हुए और दो बार जो इनकी है कि तसल्ली बख्श इनका काम हुआ। आज फिर से ये कुछ अपने मसले लेके हमारे साथ रूबरू हुए, जनाब अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब पहले तो स्वागत है। फिर जनाब शुक्रिया। अच्छा सर, आज कौन से मसले लेके आप हमारे साथ रूबरू हैं? जनाब आज हम हमारी जो गुजर बकरवाल एसटी मोर्चा कालाकोट, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो सैलाब आया है इसके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर मैं कहूँगा सड़कों का। ख्वास रोड देख लो, पट्टी नाला देख लो, गुंडी देख लो, मोगला देख लो, दलेट, नारला बम्बर, गर्न, बड़ूटा, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये सड़कें ठाकुर इशपाल सिंह साहब के दौर में बनी थी। इस ये जो बड़ा ये सैलाब आया है इन दिनों में, इसमें वो भी बह गई हैं, इनको मरम्मत की ज़रूरत है। दूसरा, एक पट्टी नाला में एक दरिया है, उस दरिया के बीच में से गाड़ी जाती है और अगर वो दरिया ज़्यादा आ जाए तो गाड़ी नहीं जा सकती, चाहे कोई बीमार हो, चाहे डिलीवरी हो किसी बच्ची की, वो वहीं मर जाती है क्योंकि वो कालाकोट तक आ नहीं सकती, वो मोगला तक भी नहीं पहुंच सकती, बहुत बड़ा दरिया है वहाँ। वहाँ डीसी रजौरी वहाँ विज़िट करें, मेरी ये गुजारिश है उनसे, गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश है कि वो बड़ा दूर दराज एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक एडवाइज़र साहब को भेजा जाए, वहाँ विज़िट करें और वहाँ देखें और वहाँ फौरी एक पुल दिया जाए, ये अवाम की मांग है। और दूसरा, मैं ये गुजारिश करूँगा डीसी साहब रजौरी से कि हमारे इस नुकसान हुआ है जो ये इस सैलाब की वजह से हमारे लोगों के कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में मकान गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, उनको फौरी राहत दी जाए, उनको आइडेंटिफाई करके फौरी राहत दी जाए। दूसरा है पीएचसी दरकेरी है एक, वो गिर गई है सैलाब की वजह से, बड़ा नुकसान हुआ है, एक उसको भी देखा जाए। फिर हमारे यहाँ कालाकोट में जो तहसील ऑफिस है उसमें भी पानी जाता है, बिल्डिंग मरम्मत की ज़रूरत है, ट्रेजरी ऑफिस है उसमें भी मरम्मत की ज़रूरत है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का जो कुछ हिस्सा है, पुराना हिस्सा है, उसको भी मरम्मत की ज़रूरत है। दूसरा, जो इनमें ये मैं गुजारिश करूँगा कि इनको प्रॉपर तरीके से इनकी टेंडरिंग की जाए ताकि अच्छे तरीके से जो ठेकेदार हैं वो काम करें और जो फंड्स है वो अच्छे तरीके से लगे। दूसरा, मैं एक मसला और है जो सबसे ज़रूरी है, वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये ना होता, स्कूल लगे होते तो हमारे स्कूलों में बहुत बड़ा नुकसान, जो पुरानी बिल्डिंग है वो सारी लीकेज कर रही हैं, उसका एक कारण है कि स्कूल में जितने टीचर लोग थे उन्होंने किसी तरीके से मिलजुल के खुद ही, तकरीबन ज़्यादातर हमारे कालाकोट में टीचर साहिबान ने क्या किया कि हम खुद ही ये बिल्डिंग बनवाएंगे, हमारे पास पैसा है, वो बड़ा नुकसान हुआ है, आज वो सारी लीक कर रही हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि उसमें आरडीडी डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से खुद काम करवाए, चाहे टेंडरिंग करवाई जाए या आरडीडी डिपार्टमेंट काम करे। और शुक्रिया आपका, और सबसे मेरी यही गुजारिश होगी कि जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नुकसान हुए हैं गरीब लोगों के, उसको फौरी आइडेंटिफाइड की करके तो उन लोगों को राहत दी जाए। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ जी, इनके सब की इन्होंने जो ख्वास से आवाज़ उठी उसका भी समर्थन किया और अब जो हमारे यहाँ पर इस वक्त जो दौर चल रहा है उससे, जो सैलाब से या जो बारिश की वजह से जो लोगों की आप कह सकते हैं नुकसान है, उस नुकसान को आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है मुआवजा दिया जाए, ये इनकी रिक्वेस्ट है एडीसी साहब से, गवर्नर इंतज़ामिया से और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे, डीडीसी साहब से भी। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट न्यूज़, कालाकोट, रजौरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए